एक पत्र है। मैं सो जयश्री संजय निकम, उम्र है 42 साल, गांव मालेगांव, जिला नासिक। ये नांदगांव हमारे क्षेत्र का। गुरुदेव, मुझे एक 21 साल की एक लड़की है और 14 साल का एक लड़का है। 21 साल की एक लड़की है, 14 साल का एक लड़का है। मेरा हंसता खेलता परिवार, मेरा लड़का जिसका नाम ऋषिकेश, हॉस्टल में उसको पढ़ने के लिए भेजा था बाहर। गुरुदेव, कोरोना काल में मेरा, कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, आप ही बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। कोरोना काल में मेरे बच्चा हॉस्टल से वापस घर आ गया और उसकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई। जो पढ़ाई उसकी मोबाइल पर चल रही थी, मोबाइल पर पढ़ाई करते 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 वो कब किसी साइबर में उलझ गया और साइबर क्राइम में उलझने के कारण बस मेरा 14 साल का बेटा खुदकुशी कर लिया। मेरी एक 21 साल की लड़की है, दूसरा लड़का 14 साल का जिसका नाम ऋषिकेश था, हॉस्टल में पढ़ता था, घर आ गया कोरोना काल में, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गई, मोबाइल पे पढ़ता पढ़ता साइबर क्राइम में फंस गया। साइबर क्राइम में कब फंस गया हमको मालूम नहीं पड़ा गुरुदेव, और मेरे लड़के ने घर में ही खुदकुशी कर ली। मेरा 14 साल का लड़का मर गया। गुरुदेव, मोबाइल के जाल में मेरा बेटा ना जाने कैसे फंसा और उसके दोस्तों ने कैसा फंसाया और उसने सुसाइड कर लिया। मेरा हंसता खेलता परिवार नाश हो गया, वंश का दिया चले गया। बहुत रोती थी गुरुदेव मेरी बड़ी लड़की 21 साल की, वो भी रोती, 14 साल का भाई चले गया, हम भी रोते। रोज शिव मंदिर जाती, आपकी कथा ने मुझे हिम्मत दी है गुरुदेव, नहीं तो मर जाती मैं भी अपने बेटे के लिए। और रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी के मंदिर पर जाकर रोज धोक लगाती, प्रणाम करती, मेरा बेटा तूने लिया है, मेरे बेटे को अब तू दे। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब मैं मां नहीं बन सकती क्योंकि मेरी उम्र बहुत हो गई थी, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा भोलेनाथ लेता भी है तो देता भी है। मेरे शंकर ने वापिस मुझे दिया, अजब, मेरे शिव ने मुझे दिया, मेरे शंकर ने वापिस मुझे प्रदान किया, मेरे शंकर वापिस मुझे दे। मैं किसी से नहीं कही गुरुदेव, पत्र में लिखा है केवल एक, केवल शंकर के दरवाजे पर जाकर रोती थी और शिव से कहती थी मेरा 14 साल का बेटा चले गया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं कभी जिंदगी में अब मां नहीं बन सकती, अब तू जान, तेरा काम जाने। और बाबा ने मुझे वापिस मेरा बच्चा दे दिया, मैं बाबा को धन्यवाद देने। रोने ही रोते नहीं है, अब तो दे दी बाबा, अब रोना नहीं चाहिए। आओ पदा, पदा। बाबा के पास मालूम रोना नहीं, बाबा से विनय करो, बाबा कृपा करो। प्रणाम करो, जल्दी प्रणाम करो, प्रणाम करो जल्दी।